अस्सलामुअलैकुम जी, आज एक फिर अल्हम्दुलिल्लाह नए प्रोजेक्ट पर, जो कि जियो का ही प्रोजेक्ट है, सेवन स्काई की प्रोडक्शन है, और जिसमें मेरे साथ प्यारी फायजा गिलानी, हम लोग बड़े अरसे के बाद इकट्ठे हुए हैं दोबारा। अरे अरे लाइट है, फायजा इधर से आ, ताकि शक्ल प्यारी, देखिए प्यारी फायजा की प्यारी शक्ल होनी चाहिए है? और बड़ा मज़ा आता है इसके साथ काम करके मुझे, और हम फिर से इकट्ठे हो गए। और ये है जी, इसमें मेरे बेटे का कैरेक्टर कर रहे हैं, बताइए ना, इसमें रेहान का कैरेक्टर कर रहे हैं। और ये मेरी प्यारी टीम है, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इरफान असलम हमारे डायरेक्टर हैं, और हमारे डी ओ पी हैं इमरान, और बाकी उनकी मैं शक्ल दिखाऊंगी सबकी करीब से। अभी फ़िलहाल मैंने कहा ऐसे ही बना दूँ एक ग्रुप। इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत तकरीबन डिफरेंट है, वो पहले वाला नहीं है, तो ये भी बड़ा मज़े का ड्रामा है, आपको अच्छा लगेगा। 45 रेहान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं, सच बताओ करनी है। आप यहाँ जानते हैं ना, सेंटर में आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने जाती थी, मैंने आपको कभी नहीं रोका, सिर्फ इसलिए कि पढ़ाना निकालना अच्छी बात है, लेकिन ये ऑर्डर अड्डे पे कढ़ाई देना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। नहीं, वो कहाँ गई, वो जो लाइट की है वो किधर? यस, ये कौन हिल रहा है? शैडो किसका है? आपका है। वार्डरोब को फैन ऑफ, चलें रोल रोल फैन ऑफ करो सतार। आए जी, हाँ थोड़ा सा चीट करिए, रोल एक्शन। हाँ बेटा, वो हमारी आशा बहू का फोन आया था, बता रही थी हम जितने सालों पर रहते हैं, लेकिन अब अपने पास हमारा बिल लगा दिया। हाँ वो तो ठीक है, पर वो हमारे यहाँ आना चाह रही है, हम जित के लिए फायजा का रिश्ता दोबारा मांगने आ रही है, कि माजी में उसे जो गलती हो गई फायदा के साथ रिश्ता टूटने की, उसे माफ करें। अभी आप लोगों को कहें कि हमें उन्हें माफ करें, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी किसी मवाली के साथ नहीं करता, ये बता दें। क्या होगी बातें कर रहे हो, ये बताओ जानते हो ना कितना रिलेटेड, ये बता जानते हो ना कितना जेस मांगते हो, कहाँ से दोगे? इस बात का मतलब ये है कि मैं अपनी बहन की शादी किसी मवाली को करूँ, आप अब्बू को कह दें कि यहाँ आने की सहमत है, और जहाँ तक मुझे याद है कि अब्बू भी इस रिश्ते से खुश नहीं, ये तो आपकी और अब्बू की जिद थी, जो निभाना पड़ा। जाओ 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 इधर से चल ऑन कर कर लाइट, पहले सामने रख, फिर जब बोलने की ऐश करेगी ऐश पे प्लीज। आ जाओ ना बैठ के खाना खाओ, क्या कह दिया मैंने ऐसा,
इमरान किसको फोकस? आपकी मर्जी के बगैर आप सही है जब ये अच्छी तरह से पता था इस लड़के को कि मिनाल के घर वाले हमें उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े और नहीं तो इसे तो आज नहीं छोड़ूंगी मैं। कहा के लिए इस वक्त तो चुप है, रेहान कॉल भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ होगा इसमें। तो मैं नहीं पता कहाँ होगा। अरे उस लड़की को फोन मिलाओ, वो अमल को, उसे पता होगा, उसी के पास तो गया होगा और कहाँ जाना उससे। अमल बीच में कहाँ से आ गया? अमल बीच में कहाँ से आ गया? अगर खामोशी रखो इसमें उनके, इसीलिए तो रेहान को मिनाइल नजर नहीं आ रही और मिनाइल ने मुझे सब बता दिया। तो इस लड़की की भी खैर नहीं है, जो करना है कर। जो करना ना आप करें। अगर अभी भी आपको रेहान से ज्यादा मिनाइल की परवाह है ना तो सोच लेंगे मेरे रेहान वापस नहीं आएगा फिर से। ये गलत क्या बोल रहा है? रोल आपको नहीं आया फोन उसका? हमारे वो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी वहाँ पे वक्त बुरा आ जाए अगर उसको होता तो लंदन फ्लैटन चला जाता, उसको इंडिया जाने की ऐसी क्या जरूरत? इंडिया क्यों क्या अब वो अगली बार आई थी पुलिस, मगर बेटे